हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों, विंटलर इम्युलेटर को आपको किस तरह से सेटअप करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक्सागेयर इम्युलेटर की तरह ही ये विंटलर इम्युलेटर है, थोड़ी अलग चीजें है। आपको क्या करना है, आपको ZIKR एप्लीकेशन ओपन करना है और इसका APK और OBB फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने वो डाउनलोड किया है। पहले आपको APK को इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे जो विंटलर इम्युलेटर है उस APK को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा APK होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपको इंस्टॉल कर देना है। मैंने पहले से ही किया है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद होगा ये कि आपके एंड्रॉयड और OBB फोल्डर में वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप उसको ओपन करोगे। विंटलर इम्युलेटर का वो क्रैश करेगा क्योंकि उसके अंदर OBB फाइल नहीं है। com.wintler का जब वो फोल्डर क्रिएट होगा और यहाँ पे आइकॉन देखने के लिए मिलेगा, ZIKR एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको वो आइकॉन देखने के लिए मिलेगा जब आप विंटलर इम्युलेटर को पहली बार ओपन करोगे। इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्टली वो फाइल मिलती है, गेटहब से आपको वो मिल जाएगी, उसका फोल्डर नहीं मिलता। जिप फाइल के अंदर वो जो फोल्डर होता है वो नहीं वो मिलता, वो डायरेक्टली फाइल मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो फाइल, वो डायरेक्ट OBP के अंदर जो फाइल होती है ना वो मिलती है, main.wintler.obp, ये डायरेक्ट मिलती है। इसको डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसको आपको क्या करना है, एंड्रॉयड फोल्डर में जाना है, ठीक है। एंड्रॉयड फोल्डर में जाने का तो OBP फोल्डर में और com.wintler फोल्डर में पेस्ट कर देना है, ठीक है। फोल्डर इज एम्प्टी कह रहा है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये सारी चीजें करनी है आपको। जब आप इसको पेस्ट कर दोगे आपका गेम चलेगा, वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत आपको नहीं आने वाली। विंटलर इम्युलेटर आपका बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ वर्क करेगा। उसके बाद विंटलर इम्युलेटर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। प्लस साइन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे नेम में कंटेनर 1 रखना है। जो स्क्रीन साइज है वो अपने डिवाइस के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 800x600 रखी है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स ड्राइवर है, उसका टर्निंग जिंक रखना है आपको, ठीक है। और DX रैपर है, वाइन D3D 8.0 रखना है। शो यू पेस पे क्लिक करना है। CPU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे वाइन रजिस्टर कीज, इसमें ये जो पहला ऑप्शन है उसको आपको इनेबल करना है। CPU नेम आपको GTX 1070N रखना है। ऑफ स्क्रीन या BO रखना है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट शेडर मैथ इनेबल रखना है। वीडियो मेमोरी साइज आप यही रखिए, यही अच्छे रहेगी, 2048, ठीक है। और माउस वॉप ओवरराइड इनेबल आपको रखना है। उसके बाद DX कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें एज इट इज रखनी है। इसमें भी आपको एज इट इज रखना है। उसमें ऐड भी आप कर सकते हो और ड्राइवर भी आप ऐड कर सकते हो। ये जब होने के बाद स्टिक मार्क पे आपका वो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इनपुट कंट्रोल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल भी आपको मिलते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे RTS कंट्रोल मिलता है। आप कंट्रोल एडिटर में जब जाओगे तो यहाँ पे इस तरह से ये कंट्रोल एडिटर आपको मिलता है। मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे RTS और एक है, यहाँ पे टेम्पलेट का है, ये तो बहुत ही अच्छा मिलता है। जब आप गेम खोलोगे ना तो ये आप इम्युलेटर का कंट्रोल यूज कर सकते हो। ये टेम्पलेट का भी बहुत ही अच्छा आपको मिलता है जब आप किसी पे क्लिक करोगे इस कंट्रोल पे। और इसको आप चेंज भी कर सकते हो, शेप आप इसका सर्कल, ये कुछ भी आप रख सकते हो। यहाँ पे कीबोर्ड है और यहाँ पे आप अप राइट लेफ्ट इंटर, यहाँ पे सारे बटन मिलते हैं, तो ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो एक्सागेयर इम्युलेटर से भी अच्छा ये इम्युलेटर आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है और इस पे आपको क्लिक करना है और रन कर देना है। रन करने के बाद आपका स्टार्टिंग अप कहेगा और यहाँ पे आपको PC के तरह ही आपको स्टार्ट बटन ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये स्टार्टिंग अप में थोड़ा टाइम लगाता है, उसमें थोड़ी देरी लगती है क्योंकि वो सारे ऑप्शन इसके रन होने हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ी दिक्कतें आती है। वो स्टार्टिंग अप में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा आपको वेट करना है 1-2 मिनट, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे आपका इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यदि आपको फुल स्क्रीन करना है, बैक दबाना है और टॉगल फुल स्क्रीन पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको फुल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूटर आ जाता है, लोकल डिस्क CD Z,
यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप गेम डालिए, गेम आप रन कर सकते हो। स्नैपड्रैगन का अच्छा प्रोसेसर है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 3, बहुत सारे गेम आप खेल सकते हो। मैंने इसमें एक गेम डाउनलोड किया है लेकिन वो रन नहीं होता, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि मेरा डिवाइस थोड़ा ये कैपेबल नहीं है इसके लिए, ये थोड़ा सा इसका लेजीपन जा जाता है और वो गेम क्रैश हो जाता है। यहाँ पे मैंने स्पाइडरमैन 2 नाम का जो गेम है वो डाउनलोड किया है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। स्पाइडरमैन 2 जो पीसी का गेम है, मैंने देखा कि 400 MB का गेम है, देखते हैं कि ये गेम रन हो पाता या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ और उस फोल्डर में डायरेक्टली गेम को रन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इस गेम की exe फाइल है, इस पे मैं डबल टैप कर देता हूँ और देखते हैं कि गेम ओपन हो पाता या नहीं, या प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। मैंने कोशिश की लेकिन गेम थोड़ा ओपन नहीं हो रहा, मैं इसको ओपन होने में थोड़ा सा देर लगता है, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे क्रिटिकल एरर आ रहा है, SSN फेल्ड, बिटमैप लोड फाइल, यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए ये गेम मैं खेल नहीं सकता। और कोई भी गेम डाउनलोड करता हूँ तो यही प्रॉब्लम आती है। यदि आपका अच्छा डिवाइस है ना, स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर है, तो आप तगड़े तगड़े पीसी की गेम अपने विंटलर इमुलेटर के थ्रू खेल सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।